Hey guys, Assalamualaikum, Sasyakala Dab, and welcome back to our channel. This is Aliza and this is Visba. So guys, I hope आप सारे जितने होंगे बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, हमेशा खुश रहोगे आप आपसे मिलकर. आधी देर से रिएक्शन वीडियो और चार साहबजादे दी मूवी दे एक पार्ट ते हैं जिदे विच बाबा जुझार सिंह जी अपनी आखिरी फाइट करते हैं. तो असं देखांगे कि उन्होंने इस तरह की फाइट की, किस तरह मुकाबला किया, दुश्मन की किया उस जंग दे विच, उस फाइट दे विच. सो वीडियो स्टार्ट करने एग्जैक्टली असं देखांगे इस मूवी दे पार्ट विच की होया. एक रियल स्टोरी है, मतलब एक रियल जंग दा वाकया मूवी दे थ्रू साढ़े लोगों तक पहुँचाया जा रहा है. तो देखने कि उस जंग विच की कारनामे सरअंजाम ते और यह सब कुछ जाना असं इस मूवी दे पार्ट विच. करते हैं वीडियो स्टार्ट, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, नाले बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. एंड किसी भी वीडियो का लिंक सर शेयर करना चाहते हो तो सू इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो. गुरु जी, सरसा नदी के आगे सारा परिवार बिछड़ गया. माता जी, छोटे साहबजादे पता नहीं कितने चले गए. अजीत सिंह जंग में शहीद हो गए ने, फिर भी तुहाड़े मत्थे ते कोई शिकन नहीं. दुनिया जीने दे तरीके लभदी है, ते तुहाड़ा हौसला सिंघां नूं शहीद होण दी जात सिखांदा है. बस हुण तां बाबा जुझार सिंह ते ही आसा ने कि इह वड्डा हो के पंथ दी बागडोर संभालेगा. गुरु पिता जी, मैं भी वड्डे वीर वांग जंग च जावांगा. ना जुझार सिंह, ना तू इहो जी गल ना कर. तू तां हले बहुत छोटा है. गुरु जी, इहनूं समझाओ ना. मैं सेवा सिंह नूं कहना कि अगला जत्था वह लेके जाए. जथेदार जी, मानता हां कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इन्ना भी नहीं कि अंत तक सू मार के मरना सुना. गुरु पिता जी, मैनू आशीर्वाद दियो. गुरु मां, तुसी इत्थे? हां, जंग ते जान तो पहला मैं अपने पुत्र नूं मिलन आई सी. गुरु पिता जी दे चरण स्पर्श करन लगे मैं यही सोच रहा सी कि काश अज मेरे कोल मेरे गुरु मां हुंदे, मैं उन्हां दा भी आशीर्वाद लेके जंग नूं जांदा. डरता नहीं लग रहा? मां, मैं तां सिर तो पैर तक जोश नाल भर गया. मैनूं फकर है मेरे लाल, अज मेरा लाल जंग विच लड़न वाला योद्धा बन के उतरेगा. मां, तुहाडी अखां चो हंजू? ए हंजू नहीं, आशीर्वाद दे पुत्तर. हालांकि पता भी है कि वो बहुत छोटे ने, लेकिन फिर भी उन्हां दी बहुत हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा होना चाहिए. Thank you.
ਬੱਚਾ ਪੁੱਤਰ इजाजत मंगी अपने वालद कोलो के मैनू इजाजत दी जाए कि मैं जंग विच जाके ते लड़ा। जो गुरु गोबिंद सिंह जी सी उन्हां दा भी बहुत ही वड्डा हौसला और बहुत वड्डा दिल है कि उन्होंने अपने छोटे जे बेटे नू इजाजत दी कि वह जंग विच जाए और लड़े और शहीद होए अपनी कौम वास्ते। बाबा जुझार सिंह जी ने वह मदर नू याद कर रहे सी, इमेजिनेशन च जो भी गला कर रहे सी, ते उन्दे विच भी वह यही देख रहे सी कि उन्हां दे जो वालदा है उन्हां नू उन्हां दी हौसला अफजाई कर रहे हैं और वो भी उन्होंने इजाजत दे रही है कि जाओ जाके जंग से लड़ो। और यह बहुत ही वड्डा डिसीजन होंदा, बहुत मुश्किल होंदा है वक्त कि एक इंसान को पता होए कि मेरा जो बेटा है वो जंग से जा रहा है और वापस नहीं आएगा, तो फिर भी उन्होंने उत्थे जाने की इजाजत दी जाए क्योंकि जो फादर होंगे ने अपने बच्चों नाल अपने बेटे नाल स्पैशली बहुत ज़्यादा अटैच होंगे ने, उन्होंने बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने ऐसी जगह पर भेज की इजाजत बहुत घट देंगे ने कि जितों उन्होंने वापस आने की कोई उम्मीद ना हो। और बाबा जोर सिंह जी ने बिल्कुल अपने अल्फाजा से कायम रहे, जिस तरह उन्होंने जो जोश जज्बा अपने फादर नाल गल करदे होया सी कि मैं जंग विच जावांगा और दुश्मनां दा मुकाबला करांगा, ते असीं वेख्या कि किस तरह उन्होंने जंग विच जाके वजीर खान दी फौज दा मुकाबला कीता और अपने बहुत सारे दुश्मनां नूं कतल भी कीता। उन्हां दा जो भी जज्बा सी बाबा जुझार सिंह जी दा, आई थिंक अज दे बच्चां च वी इहदे जज्बे होण ते शायद साडा मुल्क होर भी ज़्यादा तरक्की करे, होर भी ज़्यादा कामयाब होए, तो साडे बच्चों से भी यही जज्बे होने चाहिए ने और सब कुछ इस तरह आ सकते कि असं इस तरह की वीडियो उन्होंने दिखाए, इंस्पायर हो करवाने उन्होंने कोशिश करिए और होर भी इस तरह की उन्होंने गल्लां शेयर करिए जिंदी वजह तो उन्होंने अंदर जज्बा पैदा हो अपने मुल्क वास्ते कुछ करन दी, अपने आवाम वास्ते कुछ करन दी। आई होप कि आप नूं वीडियो जान के अच्छा लगा होएगा क्योंकि यह एक हिस्ट्रीफुल स्टोरी है जो कि रियल है, रियल हो चुका है यह सब कुछ और इन्हों सुनहरी अल्फाजा में याद किया जाता है। तो आई होप कि आपने वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।